नमस्कार, आज हम बैंगन का चोखा बनाने जा रहे हैं पका के। आपको हम दिखाते हैं, सर्दी के दिनों में प्रकार का बड़ा बड़ा बैंगन भी आ जाता है, तो इसे आप सत्तू की लिट्टी के साथ खा सकते हैं, या नहीं तो आप खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, या चावल दाल बना रहे हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। जो भी आप बनाएंगे उसके साथ ये चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको हम दिखाते हैं, पहले ये मेरे पास बैंगन है, इसे हम देख लेंगे, बीच में हम काट के देख लेंगे कि इसमें कीड़ा तो नहीं है, इसको इसीलिए हम इसको बीच में हम काट दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, इधर भी साफ है इधर भी साफ है। यहाँ थोड़ा सा लास्ट में जुड़ा हुआ रहने देंगे, पूरा अलग नहीं करेंगे, और इस प्रकार से हम इसमें होल कर देंगे चारों तरफ से, इधर भी इसी प्रकार से इस प्रकार कर देंगे, ऐसे जल्दी से पक जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको होल कर दिया है। इसे हम इधर किनारे रख लेते हैं। इसमें डालने के लिए पाँच छः हरी मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा सा हम लहसुन ले लिए हैं छील के, एक प्याज ले लिए हैं, और एक आप देख सकते हैं गोटा लहसुन है। इसे आप अगर पका के डालना चाहते हैं तो इसी प्रकार गोटा आप पका दें गैस पर, जैसे बैंगन पकाएंगे उसी प्रकार से लहसुन को भी पका दें। अगर प्याज पका के डालना चाह रहे हैं तो प्याज भी इसी प्रकार से आप पका सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं, और हम 3 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर आप लें थोड़ा पका हुआ टमाटर लें, कच्चा टमाटर नहीं ले, पका हुआ लेंगे तो चोखा बहुत अच्छा चटपटा सा बनेगा। तो हम आपको दिखाते हैं पकाने के लिए। तो देखिए मेरे पास धनिया पत्ता है, इसे भी हम लास्ट में डालेंगे काट के। प्याज को भी पकाएंगे, तो प्याज को हम ऐसे अच्छे से पकड़ के और इस प्रकार से बीच बीच में इस प्रकार छेदा कर देंगे। आप जब इस प्रकार का होल बना रहे हैं तो अच्छे से सावधानी से करें कि हाथ में न लग जाए, इसका आप ध्यान रखें। पहले जब आग में बनता था चोखा, लकड़ी जब जलाया जाता था उसका जो आग रहता था उस पर बैंगन टमाटर प्याज लहसुन मिर्ची सब चीज़ पका दिया जाता था, पका के बनाया जाता था, उसे आप खाएंगे ना तो बहुत ही सोंधा सोंधा लगेगा। तो हम आपको गैस में ही बनाएंगे, पर उसी तरह से आपको हम बना के दिखाएंगे। यदि इस प्रकार से मेरे पास तार है, इसी पे हम पका ले रहे हैं। देखिए हम बैंगन को रख दे रहे हैं पहले गैस पे, टमाटर में भी इसी प्रकार से होल कर लेंगे, 2-3 जगह हम होल कर देंगे, उससे अच्छे से पक जाएगा। सभी टमाटर में इस प्रकार से हम होल कर दिए, और इसमें 2 से अधिक टमाटर नहीं आएगा, इसीलिए हम 2 टमाटर रखे हैं। गैस हम जला देंगे। अब देखिए आग आ रहा है, यहाँ पे हम लहसुन रख देंगे, इधर हम प्याज रख देंगे, इस प्रकार से घुसा के हम प्याज रख देंगे, प्याज को भी हम पका लेंगे। अब हम लहसुन प्याज टमाटर सब रख दिए हैं, अब हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी हम यहाँ पे इस प्रकार से रख देंगे। और जब हम हरी मिर्च रखेंगे तो हल्का सा देखिए किनारे से हम तोड़ दिए हैं हरी मिर्च को, आप देख सकते हैं सभी को हम तोड़ दिए हैं, अलग कर दिए, ऐसे फटेगा नहीं, ऐसे तो हम हल्का सा तोड़ दिए। अब पकने देते हैं, पहले हम तेज आँच पर पका लेंगे 2-3 मिनट, उसके बाद हम धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए गैस के नीचे हम एक तावा रख दिए हैं कि जब हम पकाएंगे ना तो इसका पानी गिरेगा, इसीलिए तावा पे पानी गिरेगा। देखिए लहसुन पक गया है और टमाटर भी पक गया है, और 3 मिनट के बाद इसे हम फिर पलट दे रहे हैं। तो हम पहले हरी मिर्च और लहसुन को निकाल लेंगे, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। गैस को आप कम कर लें, उसके बाद आप निकालें। आप हाथ से नहीं निकाल सकते हैं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसको एक बार पलटना है, पूरा आप गैस को धीमा कर दें, उसके बाद ही पलटें। अब ये टमाटर को एक बार हम इस प्रकार से पलट देंगे, और दूसरे टमाटर को भी हम पलट देंगे, और ये प्याज है, प्याज को भी हम इस प्रकार से पलट लेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि आप प्याज भी पका के डालें, पर आप ऐसा कभी बना के देख सकते हैं, अगर आपको आपके पास अगर समय है तो। अब हम इस प्रकार बैंगन को भी पलट देंगे इस तरह से, ये पूरा पका हुआ है, इधर भी हम थोड़ा सा तेज आँच पर पका लेंगे, और हम प्याज को भी रख दिए, इसे अब हम पकने देते हैं, फिर से 2-3 मिनट इसे हम पकने देंगे। अब यहाँ पर हम रख देंगे तो मेरा दूसरा तीसरा टमाटर भी पक जाएगा। तो यहाँ पर हम एक टमाटर रख दिए हैं, अब एक ही बार में मेरा सारा बैंगन टमाटर लहसुन हरी मिर्च सारा पक गया हो जाए, ये सब टमाटर पक गया, इसे हम निकाल लेते हैं। आँच को बिल्कुल हम धीमा कर देंगे, इस प्रकार हाथ से अगर आप निकाल पाते हैं तो हाथ से निकालें, हाथ से अगर आप नहीं निकाल पाते हैं इस तरह से आप निकाल लें, आपको जैसे सुविधा हो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्याज को हम यहाँ पे रहने देंगे, और एक टमाटर जो नहीं पका इसे भी हम रख देंगे। अब ये जो बैंगन है इसे हम इस प्रकार से यहाँ पे हम रखेंगे, देखेंगे किधर पका हुआ नहीं है, इधर थोड़ा सा पका हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और इसे हम धीमी आंच पे ही पकने देंगे। देखिए बैंगन और टमाटर पूरा पक गया है, हम धीमी आंच पे पकाए तो अच्छे से पक गया है, अब देखिए ये पूरा पक गया है। तो हम गैस बंद कर देते हैं, और इसे हम निकाल लेंगे, और इसे निकाल के हम आपको छीलने का भी तरीका बताएंगे। देखिए एक पतीला में हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं, और जो हम पका के बैंगन रखे हैं इसको इसमें हम डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, जो भी हम पका के रखें उसे हम डाल देंगे, और ये लहसुन का गुट्टा भी हम डाल देंगे, और इसे हम 2-3 मिनट इसे हम पानी में डुबा के छोड़ देंगे। तो ये जो बैंगन का छिलका है आप देखेंगे खुद ब खुद ऊपर इससे अलग हो जाएगा, आप इस प्रकार आसानी से इसे छील सकते हैं।
हम आपको दिखाते हैं एक से दो मिनट के बाद। देखिए हम ऐसे बैंगन को इस प्रकार से उठाएंगे बैंगन को और इस तरह से हम छील लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम पूरे बैंगन को देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है इसका छिलका। एक बार आप इस प्रकार पकड़ेंगे तो बहुत दूर तक ये छिला जाएगा। इस तरह से हम पूरे बैंगन को छील लेंगे। देखिए पूरा बैंगन को हम छील लिए हैं इस तरह से। इसी तरह से हम इस प्रकार टमाटर को भी छील लेंगे। देखिए कितना आसानी से उसका पूरा छिलका अलग हो जाएगा। तो सारे टमाटर को भी हम छील लेंगे। आप देख सकते हैं हम टमाटर और बैंगन को छील लिए हैं। अब मेरे पास बस लहसुन और प्याज है तो हम प्याज को भी इसी प्रकार से छील लेंगे। जैसे देखिए ऊपर का लेयर इसका पूरा अलग हो जाएगा, इसीलिए हम इसे छील के नहीं रखे थे। मेरा अलग से गैस भी खर्चा नहीं हुआ, जब हम बैंगन पका रहे थे उसी में हम एक ही साथ पका लिए। प्याज को छील लिए हैं तो इसे हम रख लेते हैं। देखिए लहसुन मेरे पास है, बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। जहाँ पर ये पका हुआ है वहाँ बस इस प्रकार से आप अलग कर दें और इस प्रकार सारे लहसुन को आप छील लें। देखिए कितना आसानी से हम लहसुन को भी छील लिए। इस तरह से सारे लहसुन को हम छील के अलग करके रख लेंगे। अब देखिए सभी को हम छील लिए हैं। मेरे पास आप देख सकते हैं टमाटर को भी हम छील लिए हैं, ऊपर का पूरा लेयर अलग हो गया है। बैंगन को छील लिए हैं, प्याज को छील लिए, लहसुन को छील लिए हैं, हरी मिर्च को तो छीलना नहीं है। हरी मिर्च भी हम पका लिए। अगर आप पकाना नहीं चाहते हैं तो आप कच्चे लहसुन काट के दे दें, हरी मिर्च काट के दे दें, प्याज काट के दे दें। और अगर आप इसको फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो इसी प्रकार सारे को आप मैश दें, एक चम्मच तेल डाल दें, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसी तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको इसे फ्राई करके बनाना बताते हैं कि फ्राई करके इसे हम कैसे बनाएंगे। ये फ्राई पैन गैस पे रख दिए हैं, गैस हम जला भी दिए हैं। इसमें हम एक चम्मच तेल डाल देंगे। जो हम पका के रखे हैं प्याज को हम इस प्रकार से चाकू से थोड़ा सा मोटा मोटा काट दिए। तो हम इसमें प्याज डाल दिए, मिर्च को भी हम इस प्रकार दो टुकड़ा में काट लिए और लहसुन हम काटे नहीं है, इसी प्रकार से हम गोटा डाल देंगे। आँच मीडियम रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो जल्दी से पक जाए। नमक को मिला देते हैं, जो थोड़ा बहुत नहीं पका होगा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत अधिक इसको पकाना नहीं क्योंकि ये पका हुआ है। अब इसमें जो पका के टमाटर और बैंगन रखे उसे भी हम डाल देंगे। अब बैंगन भी डाल देते हैं और इसे हम मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब टमाटर है, टमाटर भी हम इस प्रकार से तोड़ के डाल देंगे। इसमें तीन टमाटर हम पकाए थे, तीनों टमाटर इस प्रकार से हम तोड़ के डाल देंगे। जितना आप बैंगन का चोखा टमाटर का बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डाल दें। नमक डाल के अच्छे से मिला लें। इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालना है। देखिए इसका जो पानी टमाटर का है वो पानी थोड़ा सूख जाए और बैंगन में जो पानी है वो पानी सूख जाए, बस ये बन के तैयार है। चोखा का पानी लगभग सूख गया, थोड़ा सा इसे हम और पका लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें आलू डालना तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। एक आलू आप उबाल के इसमें डाल दें छील के। अगर आप जल्दी में हैं, आपको सब्जी बनाने का मन नहीं है, तो इस प्रकार से आप चोखा रोटी भी बना के खा सकते हैं सर्दी के दिनों में, बहुत ही अच्छा लगेगा। चाहते हैं इसमें मटर डालना तो आप मटर भी डाल सकते हैं। अब इसे आप तेज़ आँच पर, धीमी आँच पर नहीं पकाएँ, तेज़ आँच पर इसे पकाएँ। तेज़ आँच पर पकाएंगे जिसमें जो भी पानी होगा पूरा पानी सूख जाएगा। सर्दी के दिनों में ताज़ी मटर आ गई तो इसमें हम थोड़ा सा मटर भी डाल देते हैं। आप चाहे तो मटर डालें। इस प्रकार अगर आप चोखा बनाएंगे तो इसे बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं। आलू का चोखा खाना पसंद नहीं करते हैं, इस प्रकार बैंगन और टमाटर से अगर आप चोखा बनाएंगे तो बच्चे लोग भी बहुत पसंद से खाएंगे। इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल के हम मिला लेंगे। आप इसमें चाहें तो अदरक भी कूट के आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर आपके पास मेथी का पत्ता है तो आप मेथी का पत्ता भी डाल दें सर्दी के दिनों में। तो हम गैस बंद कर दिए। इस प्रकार से आप भी बैंगन का चोखा बनाएं। अगर आपके पास लहसुन की हरी पत्ती है तो उसे भी आप महीन महीन काट के डाल सकते हैं। प्याज की हरी पत्ती को महीन महीन काट के डाल सकते हैं, उससे और ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आप चोखा ज़रूर बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।